छतरपुर जिले के महाराजपुर तहसील क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान को पलीता लगा रहे हैं कुछ स्कूली शिक्षक। मामला महाराजपुर क्षेत्र से सामने आया है। महाराजपुर तहसील क्षेत्र बच्चों के हक पर शिक्षकों की मिली भगत से खाद्यान्न पर डांका डालने के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला महाराजपुर तहसील अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल सिंहपुर का है, जहां पर डीसी विश्वकर्मा प्राचार्य पद पर हैं और 5 अतिथि शिक्षकों के भरोसे पूरी पाठशाला संचालित हो रही है। स्कूल में जब कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों से पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो उनको ये भी पता नहीं था। जब कक्षा 9वीं और 10वीं कक्षाएं पढ़ने वाले बच्चों को देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। प्रधानमंत्री को नाम नहीं है पता तुम्हें, और मुख्यमंत्री को भैया मध्य प्रदेश के हैं, अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हैं नहीं है पता। तुम स्कूल में बताओ नहीं है मार साहब हैं, तुम्हें काहे नहीं है पता, तुम्हें स्कूल नहीं है उसका। सिर्फ शैक्षणिक व्यवस्थाओं की ही बात नहीं, स्कूल में अन्य व्यवस्थाएं भी धराशायी हैं। पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, नल खराब हैं, टंकी खाली पड़ी है और महीने से स्कूल परिसर में शौचालयों की सफाई नहीं हुई है। प्राचार्य डीसी विश्वकर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि शासन हमें साफ सफाई के लिए कोई बजट नहीं देता है। आप यहाँ ये जो सिंहपुर गांव है, यहाँ जो हाई स्कूल है, इसमें आप प्राचार्य पद पर पदस्थ हैं, प्रभारी प्राचार्य हैं। आपके हाई स्कूल में काफ़ी अनियमितताएँ देखने को मिली हैं। यहाँ स्कूल में जो प्रयोगशाला है वो बंद पड़ी है, ताला लगा है उसमें। जो शौचालय बने हुए हैं उसमें भारी मात्रा में गंदगी पड़ी है, वहाँ साफ सफाई 15 अगस्त की पहले साफ सफाई करवाई थी सर आपने। साफ सफाई 15 अगस्त की पहले करवाई थी, आज 18 अगस्त है, 2-3 दिन में इतना गंदा कैसे हो गया? फिर गुस्से वगैरह पड़े दिन हम नहीं करवा सकते क्योंकि इतना बजट नहीं है हमारे पास, न यहाँ कोई प्यून है, न कोई स्कूल का खाता है, शासन से कोई पैसा आता नहीं है, तो सारा विकास से जितना है सो मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, बजट के अभाव में यहाँ गंदगी मची हुई है? नहीं, बजट के अभाव में नहीं, और दूसरी बात है इतने 2-2, 3-3 प्रतिदिन तो नहीं करवा सकते। ये प्रयोगशाला है ये क्यों नहीं खोली जाती है? प्रयोगशाला खुलती है लेकिन प्रतिदिन अभी नहीं खुलेगी, उसका टाइम है निश्चित जब ही खुलेगी। वैसे समय कितने बजे से कितने बजे शाम के टाइम है? समय निश्चित है? ये समय सारणी कहाँ लगी हुई है खोलने के लिए? इसमें समय सारणी में समय दिया गया है? और जो बच्चों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था है वो सर वो भी ठप पड़ी है, नल वगैरह बंद पड़े हुए हैं? नहीं, अभी सतरवा रहे हैं मिस्त्री सर। सर आपके यहाँ जो कक्षा 9वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चे हैं, इन लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं है, मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है, आपके यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है? आप कैसे बच्चों का मतलब भविष्य तैयार करेंगे? पता सभी को है, एक आध दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो नहीं आते हैं, वो आज आ गए हो, उससे आपने उनसे संपर्क किया हो सकता हो ना बना हो। तो आप ये बताइए कि ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि आज हम आए वो बच्चे भी आज ही आए? हमने सिर्फ उसी बच्चे से ही क्यों पूछा? हमें क्या पता कि ये बच्चा रोज आता है या पहली बार आया है? नहीं, आप स्वयं पूछ सकते हो उस बच्चे से कितने दिन बाद आज आया है। वो तो बोल रहा था आता है डेली। नहीं आता ना, रजिस्टर दिखा सकते हैं ना।